Hello everyone, welcome to Smart Join for a Smart Answer. सो गाइज़ बी पी एस सी 65th एग्ज़ाम यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। 65वीं की एग्ज़ाम यहाँ पर हो चुकी है और हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019। तो यहाँ पर बात करेंगे बी पी एस सी की, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है 2019 में। लास्ट ईयर की कट ऑफ एनालिसिस एंड आपके मार्क्स बेसिस पे मैं यहाँ पर एनालिसिस करके आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। मार्क्स बेसिस पे कैसे किया मैंने, आप सभी के कमेंट मैंने देखे हैं, जिस भी चैनल पर आंसर की अपलोड हुआ वहाँ सभी ने कमेंट किया था अपने मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट ने मार्क्स कमेंट किया, 75 प्लस किया था, बहुत सारे ने यहाँ पे 90 प्लस किया और बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने कमेंट देखा कि 120 प्लस भी, बहुत सारे तो नहीं तो मतलब ऑलमोस्ट कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैंने एक एनालिसिस तैयार किया ताकि आप सभी को आइडिया लग सके कि आपका मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपका कितना होना चाहिए इससे आप क्वालिफाई कर जाओगे यहाँ पर बीपीएससी के इस एग्ज़ाम को, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अच्छी लगे तो, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कुछ नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर आपका कट ऑफ जिस फैक्टर पर डिपेंड करता है उस, अगर फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख लेते हैं कितना है। यहाँ पे देख सकते हो 427 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर था, ठीक है। उसके बाद बात करें कि कितने स्टूडेंट ने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया होगा और कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था तो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था। और बात करें कि एग्ज़ाम कितने स्टूडेंट देने वहाँ पर पहुँचे तो आप एक ऑन एन एवरेज मान सकते हो 70% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं भी दिया ड्यू टू सम रीज़न, लाइक बिहार में भी बाढ़ चल रहा है, बाढ़ आ गया, या बहुत सारे यहाँ पर रीज़न होते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर सेंटर दे दिया तो पहुँच नहीं पाए, बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। तो आप इस फैक्टर को मान सकते हो कि 70% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम यहाँ पर दिया, ठीक है। आप पेपर लेवल की बात करें, पेपर लेवल पर भी काफ़ी हद तक आपका यहाँ पर जो कट ऑफ डिपेंड करता है। तो आप मान लो एक ऑन एन एवरेज अच्छी खासी पेपर लेवल यहाँ पर पूछी गई है, अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया थी तो आप लोगों ने अच्छे मार्क्स किया होगा, बहुत सारे लोगों ने 90 प्लस जरूर किया होगा अगर आपकी तैयारी अच्छी थी, ठीक है। अगर आपकी तैयारी एवरेज थी तो आप 80 प्लस तो ईजिली करके आए होगे अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक थी तो, ठीक है। तो ये आपका ऑन एन एवरेज पेपर लेवल मैंने निकाला कि पेपर लेवल ठीक ठाक थी, ना तो ज़्यादा हार्ड था और ना ही ज़्यादा ईजी पूछा गया था पेपर लेवल की अगर बात करें तो। अब यहाँ पर चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है 2019 की बीपीएससी की जो एग्ज़ाम हुआ उसके लिए, ठीक है। तो गाइज ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने तैयार किया आपके मार्क्स बेसिस पे और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पे मैंने देखी थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें तो ऑलमोस्ट उसके करीब ही आपकी कट ऑफ इस साल की जाने वाली है, ठीक है। तो अगर बात करें सबसे पहले यूआर कैटेगरी की, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो मार्क्स वैरी करेगा, जो कट ऑफ आपका वैरी कर सकता है 95 से लेकर 98 के बीच, अगर आपने स्कोर किया या आपने 90 प्लस भी स्कोर किया है तो आप अपनी उम्मीद को बिल्कुल बरकरार रखना, होप आपके लिए बिल्कुल है यहाँ पर कि आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओ यहाँ पर बीपीएससी की जो पहली एग्ज़ाम है उसमें, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर फीमेल कैंडिडेट की, तो वहाँ पर 86 से लेकर 88 के बीच अगर आपके स्कोर है तो बहुत ही अच्छा खासा स्कोर है, ठीक है। 80 प्लस स्कोर है तो आपके चांसेस हैं यहाँ पर क्वालिफाई होने के, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें बीसी कैंडिडेट की, तो बीसी कैटेगरी कैंडिडेट की अगर बात करें तो आप देख सकते हो 90 से लेकर 95 के बीच इनकी मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ वैरी करने वाली है, और बात करें फीमेल की तो 80 से लेकर 85 के बीच आपकी फीमेल कैंडिडेट की जो यहाँ पर कट ऑफ है वो वैरी करने वाली है, ठीक है। उसके बाद एससी की बात कर ले, एससी की अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 82 से लेकर 85 यहाँ पर मार्क्स रहने वाला है कट ऑफ मार्क्स, और फीमेल की बात करें तो 68 से लेकर 72 यहाँ पर आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर एसटी की हो गई। अब एसटी की बात करें 86 से लेकर 90 के बीच यहाँ पर एसटी की कट ऑफ रहने वाले मेल कैंडिडेट की बात करें, तो अगर बात करें यहाँ पर फीमेल की तो 78 से लेकर 81 यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहने वाले एसटी की। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर बात करें अगर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आप देख सकते हो ईबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हो, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपका यहाँ पर 88 से लेकर 92 के बीच आपकी कट ऑफ यहाँ पर वैरी करेगी, ठीक है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 75 से लेकर 78 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, अगर आपने आंसर की मैच किया अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, आई बटन में मैंने आंसर की लगा दिया जिसमें कि आपको 100% राइट आंसर मिलेंगे। हम लोगों ने ट्राई किया कि 100% राइट आंसर आप सभी को प्रोवाइड करा सके आई बटन में, और यहाँ पर
इंडो स्क्रीन में भी लग गया है। इस वीडियो के बाद में आप इंडो स्क्रीन में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपकी आंसर की अपलोड किया है हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर BCL की बात करें तो यहाँ पर BCL में देख सकते हो मेल कैंडिडेट 77 से लेकर 80, यहाँ पर अगर VI में देख सकते हो 73 से लेकर 77, एंड DD की बात करें तो 60 से लेकर 65, एंड OH की बात करें तो 83 से लेकर 85, एंड MD की बात कर लें तो 47 से लेकर 50 के बीच आपकी कट ऑफ मार्क्स वेरी कर सकती है, ठीक है। अगर ऑन एन एवरेज की बात करिए कितना मार्क्स आपका होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपका कितना होना चाहिए, तो आपके चांसेस हैं, मैं अगर बोलूँ कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और आपने 70+ क्वेश्चन सही करके आया हो, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम आपका 150 मार्क्स का हुआ है, ठीक है, जिसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो माइनस आपका जो मार्क्स होने का, ओके, तो अगर आपके यहाँ पर मार्क्स माइनस नहीं हो रहे हैं, कोई चांसेस नहीं यहाँ पर माइनस होने का, सिर्फ प्लस ही होगा। अगर आपके क्वेश्चन गलती है तो गलत वहाँ पर काउंट किया जाएगा, लेकिन माइनस मार्क्स आपके नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो अगर आपने 70+ किया है तो आपके चांसेस हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 85 से ऊपर आपने यहाँ पर मार्क्स गेन करके आओ, सही सही यहाँ पर अटैम्प करके आओ 85 से ऊपर, तो आपके चांसेस अभी भी हैं, ठीक है। तो ये आपके मिनिमम मार्क्स होने वाले 70+ अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 85+ करके आना पड़ेगा, तभी आपके चांसेस यहाँ पे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक्सपेक्टेड कटअप आपको अच्छी लगी हो। अगर एक्सपेक्टेड कटअप अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर जॉब अपडेट्स एंड बहुत सारे यहाँ पर अपडेट्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आंसर किया देख लेना जरूर से, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने 100% क्वेश्चन को सही करने की कोशिश की है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।